रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज दो अदालतों में 1000 पेज की दो चार्जशीट दाखिल की है। एक चार्जशीट छह पहलवानों के आरोपों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, वहीं दूसरी नाबालिग के यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट है। इस मामले में पुलिस से ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है। दरअसल सात महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो मामले दर्ज किए थे। पहला मामला छह बालिक महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इससे पहले पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने SIT के साथ जांच रिपोर्ट को लेकर बैठक भी की है। इस मामले में पुलिस ने 209 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चार पहलवानों से सबूत लिए गए हैं। विभिन्न साइंस सेंटरों और प्रतियोगिता स्थलों से CCTV फुटेज, फोटो और संबंधित नजदीकियों के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल लिया था। अपने बयान में जहां नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो वहीं बाद में बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया गया। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी, जबकि दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने मेहनत बहुत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था।